दोस्तों आज फिर हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज के इस वीडियो हमने बनाया एक मिनी एम्पलीफायर मशीन, और गाइस इसको देखिए आप मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो, और अगर लाइट ना हो तो आप इसको 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी आसानी से चला सकते हो। और गाइस इसमें देखिए आप चार स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, जिसको कि आप एक साथ चारों को बजा सकते हो, और इसकी आवाज़ भी काफ़ी मस्त होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आप मेमोरी कार्ड, ऑक्स केबल, यहाँ पर सब कुछ लगा सकते हो, और यहाँ से आप देखिए आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पीवीसी पाइप की सीट को कट किया है, जिसकी साइज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप यहाँ से देख सकते हो। और इसकी जगह पे आप एमडीएफ बोर्ड या प्लाई बोर्ड किसी का भी यूज कर सकते हो। और अब देखिए हम सभी को साइड में रखते हैं और दो पीस पहले लेंगे, जो कि एक आगे वाला है और एक पीछे वाला है। तो अब हमें गाइस यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो भी हम यहाँ पे सामान को लगाएंगे इसमें। तो सभी चीज़ों की हमने मार्किंग कर ली है जो भी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी हमने मार्किंग किया है वहाँ वहाँ पे आपको हर जगह कट कर देना है और उसको पीवीसी पाइप को निकाल देना है। तो चलिए हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। और गाइस हम कट करने के लिए यूज करेंगे सोल्डिंग आयरन का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू वगैरह को गर्म करके आसानी से कट कर सकते हो। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसमें कट करके फिनिशिंग भी अच्छे से दे दिया है। और अब इसके बाद गाइस हम लेंगे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, और इसको हम यहाँ पे आगे लगाने वाले हैं। तो ये जो मॉड्यूल है आपको 120 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलेगा जो कि अभी हमने रखा है, हम आपको बाद में दिखा देंगे। और अब देखिए इसको हमें इसके अंदर लगाना है, और यहाँ पर आपको नट बोल्ट की सहायता जो हमने होल्ड किया था साइड में वहाँ पर लगा लगा के इसको टाइट कर देना है। तो इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं, और अब इसके बाद गाइस हम क्या लगाएंगे आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाने के बाद हम लेंगे एक पोटेंशियोमीटर, और गाइस ये जो पोटेंशियोमीटर है देखिए डबल चैनल का है, और यहाँ पे देखिए हमने दो लेग को सोल्डिंग कर दिया जो कि ग्राउंड वाली है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। तो गाइस देखिए जिधर की जो आवाज़, जिधर देखिए आवाज़ को तेज़ किया जाता है, मान लीजिए देखिए इधर की आवाज़ को आपको तेज़ करना है, तो उधर का देखिए आपको दोनों साइड का देखिए एक में जोड़ देना है, वही जो कि ग्राउंड है, और देखिए आगे वाला दोनों राइट और पीछे वाला दोनों लेफ्ट है। तो इसको देखिए छोड़ देना है अभी, और यहाँ पे हम इसको पहले इसमें फिक्स कर लेते हैं, और जब कनेक्शन करेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इसको गाइस हमने देखिए अच्छे से टाइट कर लिया है, और अब इसको हम अभी जो कि साइड में रख देंगे। और उससे पहले हम लेंगे यहाँ पे 8403 का एम्पलीफायर मॉड्यूल, और गाइस इस पे देखिए सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पे LTR लिखा हुआ, मतलब जो कि लेफ्ट है, और बीच वाला ग्राउंड और साइड वाला राइट, और बैटरी इनपुट के लिए भी प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक को यहाँ पर स्टैंड में लगाएंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर 5 जो कि LED जो होती है उसकी लेग को हमने कट किया जो RGB LED की। तो यहाँ पर देखिए 5 लेग आपको ले लेना है, और यहाँ पर देखिए 5ों पॉइंट पर एक एक को आपको सोल्डरिंग कर देना है। तो इसको हम ये कर लेते हैं। तो 5ों लेगों को हमने सोल्डिंग कर दिया है, और गाइस जो लेग थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही है तो हम इसको कट करके थोड़ा छोटा कर देंगे, और 5ों को हम कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद जो दूसरा वाला देखिए मॉड्यूल है, इसके देखिए सीधा करके बिल्कुल LTR में LTR और प्लस माइनस में देखिए प्लस माइनस करके यहाँ पर जो लेगे हैं उनको ऊपर से इसको देखिए ऊपर से डालना है, आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो इस टाइप से देखिए आपको यहाँ पर कर देना है, और इसके बाद इसकी जो कि सोल्डिंग कर देना है सभी पॉइंट पर। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसको करने के बाद अब देखिए हमें साइड में इसको निकाल देना है और यहाँ पे लगा देना है, और इसके बाद हमें देखिए 3 वायर छोटे छोटे लेने हैं, और LTR तीनों पे एक एक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस 3ों वायर को हमने जोड़ दिया है, और जो प्लस माइनस का वायर है उसको अभी हम थोड़े बाद में जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए अब जो स्पीकर का यहाँ पे प्लस माइनस है, इसमें देखिए आपको दो हमने मॉड्यूल लगाया है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट देखिए मिल चुका है 4 स्पीकर को ऐड करने के लिए। तो हम 4ों पे वायर को जोड़ देंगे जहाँ से हम स्पीकर को चला सकते हैं। तो चलिए 4ों वायर को हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमने 4ों वायर को अच्छे से जोड़ दिया है, और यहाँ पे IDO वाला वायर भी हमने जोड़ दिया है। और अब इसके बाद जो मॉड्यूल है इसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसमें भी देखिए हमें यहाँ पे एम्पलीफायर के लिए देखिए यहाँ से दिया हुआ है जहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए जो पोटेंशियोमीटर है उसके आगे के दोनों लेग राइट हैं, और दोनों लेग जो कि पीछे वाली लेफ्ट है, तो दोनों में से आप किसी का भी एम्पलीफायर में एक में कर सकते हो, और यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का एक में कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे भी LTR लिखा हुआ है, तो लेफ्ट और बीच वाला ग्राउंड और साइड वाला राइट है, तो देख सकते हो। और अब इसके बाद देखिए जो राइट वाला है उसको देखिए इसमें से आगे वाली लेग में आप किसी में भी दोनों में से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको कर देंगे राइट में, और पीछे वाला जो लेफ्ट यहाँ पे है
उसको देखिए इस लेफ्ट वाले में करेंगे और बीच वाला ग्राउंड करेंगे साइड वाले में। और इसी तरीके से देखिए हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मॉड्यूल के साथ वायर भी मिल जाएगा, तो इसको देखिए इसमें लगा देना है। और जो रेड कलर का वायर वो एंटीना का है। और गाइस देखिए इसके पीछे भी आपको LTR लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको दिखा देते हैं हम जूम करके। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ साइड में देखिए नीचे की तरफ LA और R लिखा हुआ, तो बीच वाला ग्राउंड है, ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट है। तो इसी तरीके से इसमें भी देखिए तीन वायर है और एम्पलीफायर बोर्ड में भी तीन वायर है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियोमीटर पे हम जो कि इसका कनेक्शन करेंगे, तो एंटीना जो वायर है थोड़ा हम इसको कट करके छोटा कर देते हैं और इसको भी साइज में नाप करके इसको भी हम कट कर लेते हैं। और अब इसके बाद जो इसका कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो राइट का आगे कर देंगे, लेफ्ट का पीछे, और यहाँ पे देखिए ग्राउंड में कर देंगे। और इसी तरीके से इसका भी देखिए लेफ्ट राइट वाला जो आगे करेंगे, लेफ्ट वाला पीछे करेंगे और देखिए ग्राउंड में कर देंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इसको हमने कर लिया है और अब इसके बाद गाइस देखिए हम जो कि पीछे वाला इसका जो पार्ट है उसको लेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक चार्जिंग पिन लगा देंगे जहाँ से हम इसको चलाएंगे 5 वोल्ट चार्जर से। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक स्विच लगाना है ऑन ऑफ, जहाँ से हम इसको बंद और चालू कर सकते हैं। और अब इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए जो कि हमें स्पीकर कनेक्टर ले लेना है, आपको मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को यहाँ पे हम लगाएंगे, तो इसमें देखिए रेड और ब्लैक मिल जाता है, जहाँ से आप यहाँ पे एक में दो स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो। तो दो हमने लिया जिसमें हम 4 स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लगाएंगे और जो साइड में यहाँ पर होल हमने किया था उसमें हम नट बोल्ट लगा करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गाइस इसको हमने देखिए काफ़ी बढ़िया टाइट कर लिया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे गाइस, जो PVC पाइप की सीट हमने कट किया था उससे हम इसका बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको फटाफट से चिपका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो तीनों साइड से देखिए हमने चिपका लिया है इसको। और अब देखिए जो पीछे वाला पीस है उसको हम लेंगे। और गाइस जो स्पीकर के वायर हैं इनको अभी हम जो कि कनेक्ट कर लेंगे जिससे बाद में दिक्कत ना करे। तो आपको देखिए प्लस माइनस देख करके कनेक्ट करना है। पीछे आपको रेड ब्लैक दिख रहा है, तो वहाँ से देख करके आप जो प्लस है उसको रेड में करिएगा और जो माइनस उसको ब्लैक में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम चारों वायर को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो चारों स्पीकर के वायर को हमने इसमें जोड़ दिया है और अब हम इसको यहाँ पे लगा करके चिपका देते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको हमने चिपका दिया है और अब हम यहाँ पे एक वायर लेंगे जो कि हमें मॉड्यूल के साथ ही मिला था। तो यहाँ पे जो कि बैटरी का यहाँ पे इनपुट देने के लिए है, तो यहाँ पे देखिए बैटरी का प्लस माइनस वाला वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो नीचे आप देख लीजिएगा इसके प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए इस साइड का जो वायर है वो देखिए इधर वाला प्लस है और इधर वाला माइनस है। तो अब देखिए हम यहाँ पे दो छोटे छोटे वायर लेने हैं, एक देखिए यहाँ पे माइनस पे, यहाँ पे जो चार्जिंग पिन है उसके माइनस पे लगाना है और एक छोटा वाला जो है इसके प्लस पे लगाना है। और आपको चार्जिंग पिन का माइनस प्लस चेक कर लेना है चार्जर लगा करके, और देखिए इसको कर देना है। और जो माइनस वाला छोटा हमने कट किया था उसको देखिए एक स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। और एक और हमें वायर लेना है और इसको देखिए दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे स्विच के कनेक्ट करना है। और ये जो कि प्लस वाला वायर है तो इसको देखिए हमें यहाँ पे एम्पलीफायर मॉड्यूल के जो प्लस वाला है उस पर इसको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो माइनस वाला है चार्जिंग पिन का उसको देखिए इसके माइनस वाले पे यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो देखिए गाइस इसको हमने कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर जो एम्पलीफायर मॉड्यूल का है इसको देखिए प्लस वाले को प्लस में कर देना है यहाँ पे और माइनस वाले को माइनस में कर लेना है। देख सकते हो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आपको हम नज़दीक से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्लस वाला देखिए प्लस में और माइनस वाला माइनस में दोनों का कर देना है आपको सीधा सीधा करके। और गाइस कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आपने अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो आपको अच्छे से कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो ही आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसका हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है। और अब जो कि हम इसके ऊपर का कवर वगैरह लगा करके बंद करेंगे और यहाँ पे हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा इसको चालू करके दिखा देते हैं इसी तरीके से, नहीं तो बंद होने के बाद आप सोचोगे पता नहीं अंदर क्या किया है भाई ने। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चालू करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे स्पीकर रहेगा तो आवाज़ भी आएगी, तो अभी स्पीकर हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब जो इसकी चार्जिंग पिन है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और इसके बाद गाइस जो चार्जिंग पिन है वो देखिए अभी यहाँ पे टाइट फिक्स नहीं हुई है, तो उसके इसको हम यहाँ पे टाइट करने के लिए ग्लूगन का यूज़ करेंगे जिससे कि निकले ना यहीं पे पूरा फिक्स हो जाए। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं और अब इसके बाद इसको हम पैक कर देते हैं।
तो गाइस देख सकते हो पूरी एम्पलीफायर मशीन जो बनके तैयार हो चुकी है और इसका लुक देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मस्त दिख रहा है। और साइज भी हमने छोटी बनाई है जिससे कि इसको ले जाने में कहीं पे दिक्कत ना हो, आप इसको पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हो। और अब देखिए गाइस हम यहाँ पे स्पीकर को कनेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे बॉक्स को बना लिया था पहले से, तो यहाँ पे देखिए हम चार स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो हम चार स्पीकर ले लेते हैं और इसको अभी हम यहाँ पे फटाफट से कनेक्ट करते हैं, फिर आपको इसको बजा करके दिखाएंगे कैसा इसका वॉइस है और किस तरीके से वर्क करता है। तो दो हम साइड साइड में रख करके यहाँ पे इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसका एम्पलीफायर जो मशीन है इसके पीछे गाइस देखिए आपको प्लस वाला प्लस में करना है और माइनस वाला माइनस में। तो स्पीकर का वायर को आपको देख लेना है कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, तभी जो कि आवाज़ अच्छी आएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो प्लस माइनस किया था उसमें हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस सभी को हमने जोड़ लिया है। और अब देखिए हमने एक चार्जर मोबाइल चार्जर को यहाँ पे बोर्ड में लगा करके स्विच को ऑन कर दिया है और यहाँ पे जो चार्जिंग पिन है इससे हम यहाँ पे लगा करके चला के दिखाएंगे। और गाइस यहाँ पे देखिए इसको हम इसमें लगाएंगे और यहाँ से चालू हो जाएगा। बट अगर गाइस देखिए आपको बैटरी इसमें कनेक्ट करना है तो आपको चार्जिंग जो पिन है यहाँ से आपको कट करना होगा, तो इसमें आपको दो या चार वायर निकलेगा। तो यहाँ पे जो रेड और माइनस है उसको देखिए जो कि बैटरी के प्लस माइनस में आप कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसमें चार्जिंग पिन में लगाओगे तो ये बैटरी से भी काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और इसको देखिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं और देखिए अभी ये चालू, इसको बंद करते हैं और अभी हम आपको चालू करके दिखाते हैं इसको। तो देख सकते हो इसको हमने लगा लिया है, अब हम इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तो इसका गाइस ब्लूटूथ मोड चालू हो चुका है। और अब हम इसको नीचे रखेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करके आपको बजा के दिखाते हैं कैसा है बजता है। तो मोबाइल को हमने ले लिया है और इसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं और देख सकते हो गाइस जो कि कनेक्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे सॉन्ग आपको चला करके दिखाते हैं, तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो गाइस अगर आपको इसकी आवाज़ बढ़िया सुनी है तो आप मोबाइल एकदम आवाज़ जो आपकी मोबाइल की हो उसको फुल करके सुनिए, तब आपको मज़ा आएगा कितना ये तेज़ बज रहा है, तब आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से आवाज़ वगैरह आपको फुल करते हैं और यहाँ पर जो रिमोट है इसका देखिए गाइस यही है। ओ भाई ये कहाँ से चालू हो गया गाइस, हाथ से टच होके दूसरा जो कि पढ़ाई वाला चालू हो गया। तो चलिए अब हम वही गाना फिर से लगाते हैं पुराना वाला और उसको चला के दिखाते हैं हाथ से टच होने के कारण जो कि आपको थोड़ा मज़ा भी आ गया होगा। तो चलिए वही वाला लगाते हैं फिर से। तो गाइस इसको जो कि थोड़ा उल्टा करके इसके ऊपर कुछ रख करके बजाते हैं जिससे कि आपको पता चले कैसे बज रहा है। और अगर आपको इसकी पूरी आवाज़ सुननी हो तो आप अपने मोबाइल की जो वॉइस है उसको फुल करके सुनिए गाइस, इतना तगड़ा बजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ये बज रहा है। तो आप मोबाइल फुल करके फिर आप इसकी आवाज़ सुनिए। तो अभी गाइस इसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा कम है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और देखेंगे कितने पे जो कि गिर जाता है। तो यहाँ पे गाइस जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम पे ही जो कि नीचे गिर जाएगा और आवाज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अभी है। तो चलिए हम आवाज़ को बढ़ाते हैं।
तो गाइस इसकी आवाज़ तो आपने सुनी लिया होगा कितना तगड़ा यहाँ पे बज रहा है, जो कि आपको देखने के बाद लग चुका होगा। और गाइस इससे आप बड़ा स्पीकर भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए जो इसका रिमोट है इससे आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी मोड इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं, और इसे आप ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हो, और मेमोरी वगैरह तो इसमें लगा ही सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।